Thank you again. आगे मैं चाहूँगा कि हमारी डायरेक्टर मैम इस कार्यशाला के बारे में कुछ बोले. थैंक यू. मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, भानु जी एवं सभी हमारे साथी, सभी बंदी भाईगण, आज सौभाग्य से मैं पहली बार किसी कारागार में आई हूँ. अभी तक एक जो इमेज थी ज़्यादातर तो वो पिक्चरों को देख करके ही बनी थी, तो यहाँ आकर के लगा कि वो सब एक भ्रांतियों की तरह ही थी. यहाँ पर आकर ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अलग जगह की, किसी अलग तरह की कार्यशाला में आई हूँ. जैसे आमतौर पर बहुत सारी कार्यशालाएँ होती रहती हैं और बहुतों में मैंने भाग भी लिया है, तो यहाँ पर भी आकर के एक बिल्कुल उसी तरह की कार्यशाला का अनुभव हुआ जैसे आपने. एक बात मुझे और बहुत ही अच्छी लगी, आप लोग अपना एक परिवार छोड़कर यहाँ आए हो, लेकिन सभी ने यहाँ आकर के जिस तरह से बात किया बंदी भाई कह के, तो उससे ये लगा कि हाँ, यहाँ आकर के आप लोगों का एक नया परिवार बन गया है. आप सब लोग उस परिवार के सदस्य बच्चे रहने वाले और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, उसके कारण जो भी रहे हो कि आप लोग आज यहाँ पर हो, लेकिन जो एक आप लोगों की बातों से समझ में आया कि कहीं ना कहीं संबंधों में तृप्त ना होना यहाँ आने का एक बहुत बड़ा कारण है. जो भी आपसे जाने अनजाने गलतियाँ हुई हों या दूसरों की गलतियों की वजह से आप यहाँ पर आए हों, उसका एक बहुत बड़ा कारण संबंधों की समझ ना होना, संबंधों में तृप्ति ना होना, परिवार में लोगों को पूरा जो आपका स्थान है, जो आपका सम्मान है वो ना मिलना, वो एक कहीं बहुत बड़ा कारण मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ ये रहा है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्यशाला, इसको हम लोग जीवन विद्या के नाम से भी जानते हैं, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए, उसका क्या उद्देश्य है, उसको हम लोग किस तरह से उस पर आने वाली परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, उस सब के बारे में पढ़ाया जाए, ऐसा बहुत कम होता है. पुराने समय में परिवारों में जब थोड़ा संस्कार हुआ करते थे, तो कुछ संस्कारों से हमको ये शिक्षा मिल जाती थी कि जीवन कैसे जीना है. लेकिन आज के समय में जब हमारी विद्या बहुत कुछ रोजगार पूरक होकर के रह गई है, जो भी हम सीखते हैं इसीलिए सीखते हैं कि कैसे नौकरी मिल जाएगी, कैसे अच्छा पैसा कमाएंगे और कैसे सुविधा संग्रह होगा, संबंधों के बारे में कई चीज़ें बहुत छूट गई हैं, और उसी का एक कारण है कि यहाँ पर आज इतने लोग बैठे हुए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप लोगों ने समझा है, और जैसा हम लोग कहते हैं कि ये जीवन विद्या एक बार आप कर लीजिए तो फिर ये आपके मानस में चलता ही रहता है, आप इसके ऊपर सोच विचार करते ही रहेंगे, और जब यहाँ से बाहर जाकर के वापस समाज में जाएंगे, वापस अपने परिवारों में जाएंगे, तो इन बातों को याद रखना उतने समय तक थोड़ा मुश्किल काम होता है. लेकिन अगर हम लोग जुड़ गए हैं तो आगे कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि हम लोग जुड़े रहें, और जैसा आपके अभी अधीक्षक जी ने कहा कि जब भी छुट्टी मिले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आते रहें, क्योंकि एक 15 दिन आपने कर लिया, बहुत सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन उसके बाद फिर जब हम लोग जीवन जीने में जाते हैं तो धीरे 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 वो चीज़ें कहीं धूमिल होने लग जाती हैं, तो उसको बराबर उससे जुड़े रहना भी बहुत आवश्यक होता है. तो हम लोगों का प्रयास रहेगा, और आप लोग अगर वापस अपनी ज़िंदगी में एक सहज जीवन जीने के लिए तैयार हो सके, वापस सहज ज़िंदगी जी सके, तो ये एक भानु जी और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आप लोगों को वापस समाज की धारा से जोड़ा जा सके. और इसी शुभकामना के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.